और इसे अभी हम डाउन करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब मीटर में भी आपको यहाँ पे शो कर देगा। ग्रैब हैंडल भी जो है ये ब्लैक कलर में अब आपको मिलने लगा है इस कलर ऑप्शन में। तो आप सबसे पहले भी आप यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से बाइक का लुक्स कुछ यहाँ पे ऐसा आ रहा है। यहाँ पे आपको SP 125 का जो है वो बैज मिल जाता है, जो कि फ्रेंड्स बिल्कुल ही न्यू यहाँ पे आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। बाकी यहाँ पे जो साइड पैनल है उसे चेंज कर दिया गया है, ये अब यहाँ पे फ्रेंड्स ब्लैक कलर में आने लगा है। यहाँ पे आपको होंडा की बैजिंग जो है वो 3D में मिल जाती है और यहाँ पे देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओवरऑल में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लुक्स का, तो मीटर वगैरह आप देख लीजिए, यहाँ पे अब साइड स्टैंड सेंसर के साथ बाइक आ रही है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। साइड स्टैंड सेंसर यहाँ लगा हुआ है और इसे अभी हम डाउन करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब मीटर में भी आपको यहाँ पे शो कर देगा। बाकी यहाँ पे गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर वगैरह सब सेम है, टाइम वगैरह सब शो कर दे रहा है। यहाँ पे जो पूरा ब्रेकिंग सिस्टम है वो चेंज कर दिया गया है, तो आप हमारे डिटेल वाले वीडियोस में जाके इसे चेक कर सकते हैं। तो इसे यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। बाकी आपको हम फ्रंट से लुक दिखा देते हैं, कुछ ऐसा यहाँ पे आ रहा है बाइक का लुक। ये राइट हैंड साइड से भी आप देख रहे हैं, लाइट सब देख लीजिए LED में मिल रहा है। सेम यहाँ पे होंडा का लोगो आपको मिल जाता है और बाइक देखने में फ्रेंड्स काफ़ी स्पोर्टी लग रही है। फ्रंट में यहाँ पे आपको जो डिस्क ब्रेक है उसमें अब सिंगल कैलिबर्स मिलने लगा है, जो कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 240mm का कंपनी डिस्क ब्रेक प्रोवाइड करती है। निसन के ब्रेक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और TVS कंपनी का आपको टायर्स यहाँ पे मिल रहा है। ओवरऑल में ये आप साइड लुक देख रहे हैं, रिफ्लेक्टर्स वगैरह आपको मिल जाता है और बाकी यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स वगैरह आप देख लीजिए, क्लियर लेंस में सेम मिल रहा है। और ओवरऑल में यहाँ पे ये जो है ये चेंजेस आया है, यहाँ पे ये इस कलर में आपको ये जो पैनल है ये यहाँ पे ग्रे में मिलता है, बाकी कलर ऑप्शंस में ये आपको ब्लैक में मिलेगा, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। टेल लाइट्स का आप डिज़ाइन देख लीजिए पीछे का। ग्रैब हैंडल भी जो है ये ब्लैक कलर में अब आपको मिलने लगा है इस कलर ऑप्शन में। तो इस कलर में बस यही सब आपको चेंजेस जो है वो मिलता है, बाकी आप डिटेल वाला वीडियोस चेक कर सकते हैं। टायर प्रोफाइल वगैरह सब यहाँ पे सेम आपको मिल जाता है, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। बाकी आपको टैंक हम दिखा देते हैं। तो ये था फ्रेंड्स एक यहाँ पे इस कलर ऑप्शन का एक ओवरव्यू। मैं होप करता हूँ आपकी डाउट्स क्लियर हो गई हो। बाकी मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।